नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं भी हूं मैदान में। कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और आज हम पहुंच चुके हैं हाजी रिजवान साहब के यहां पर, जहां पर जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नॉमिनेट किया है और कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए जनता पर भी भरोसा जताया है। देखना ये होगा कि आने वाली 29 तारीख को जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर ये जनता के सामने है और क्या इनके मुद्दे होंगे, उन्हीं सभी को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं इनके कार्यालय पर। जानेंगे कि आखिरकार क्या रणनीति तैयार की है चुनावी मैदान के लिए। सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किन विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं। देखिए, पिछले 25 साल हो चुके हैं मुरादाबाद को नगर निगम बनाए हुए, जिसमें 3 बार बीजेपी ने अपना मेयर बनाया है और 2 बार जनता ने सपा के मेयर को मौका दिया है, मगर दोनों ने ही नगर निगम को लूटने का काम किया है। दोनों के टाइम में ही आप देख सकते हो मुरादाबाद के जो हालात हैं, जो मुरादाबाद का विकास होना चाहिए था उसका 50% भी नहीं हो पाया। बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, जैसे हाउस टैक्स का मुद्दा था समाजवादी गवर्नमेंट में, पिछले मेयर थे समाजवादी के, उन्होंने सिर्फ मुरादाबाद, हालांकि शासन का आदेश था, मगर सिर्फ मुरादाबाद में लगभग 100 से 150% तक हाउस टैक्स कर दिया, बढ़ा दिया था। सबसे पहले तो हम वो हाउस टैक्स की दरें उस पर हाफ कर देंगे उसको, और उसके बाद में हमारा जो मैनिफेस्टो है, हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक, एक 5वीं क्लास तक का स्कूल बेसिक, और जो खाली जगहें पड़ी हैं मुरादाबाद नगर निगम की, उसमें ज़्यादातर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बारात घर और पार्किंग, क्योंकि जाम की समस्या भी सबसे अहम है मुरादाबाद की, तो जगह जगह पार्किंग, जो बाज़ार हैं, मेन बाज़ार हैं चौमुखा पुल, मंडी चौक और बहुत सारे बाज़ार हैं, उन बाज़ारों में लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट अलग अलग जनता की सुविधा के लिए बनाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें क्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ और कितने और क्या परिवर्तन की ज़रूरत है अभी? देखिए, विकास के मामले में तो मैं ये मानता हूँ कि जितना होना चाहिए था उसका 40-50% ही हो पाया है। अभी मुरादाबाद को बहुत ज़रूरत है विकास की, मेन सबसे मेन है सड़कें। मैं ये चाहता हूँ अगले 5 सालों में, अल्लाह पाक ने और यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया, तो अगले 5 सालों में कम से कम मुरादाबाद की गली गली पक्की बन जाएगी, नालिये रेगुलर सफाई होंगी, नालों की रेगुलर सफाई होगी, जो ज़रा सी बरसात में नाले चौक हो जाते हैं, नालिये चौक हो जाती हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, वो उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस पे आपने अपना भरोसा जताया और उसके बाद जहां विधानसभा चुनाव में एक बड़ी विफलता हाथ लगी कांग्रेस को, उसके बाद इस चुनाव में क्या कोई खास रणनीति? देखिए, चुनाव में खास रणनीति तो हर बार बनाते हैं और ये पार्टी हाईकमान तय करते हैं। पहले भी जो गठबंधन हुआ था, हालांकि उससे हमें ज़्यादा नुकसान हुआ उस गठबंधन का, शायद हम अकेले अपने दम पर बहुत ज़्यादा सीटें ला रहे थे, और गठबंधन के बाद में हम भी जो सरकार के खिलाफ वोट था उसका हमें भी फल भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं कहें कि वो निर्णय बहुत गलत था। बिल्कुल गलत था। इसके अलावा अगर निकाय चुनाव, क्योंकि लोकल स्तर का चुनाव है, इसमें क्या प्लानिंग रहेगी कि किस तरह के कांग्रेस के अपने वापस वजूद में लेकर आए? देखिए, प्लानिंग ये है कि हमने अपने इस पूरे महानगर को 10 जोन में बांटा है और 10 जोन के इंचार्ज बनाए हैं बाकायदा, और 10 जोन में हम बांट करके उसे चुनाव को लड़ने की रणनीति तैयार की है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार इलेक्शन जीता जाए, क्योंकि जनता भी त्रस्त हो चुकी है, आजीज आ चुकी है, क्योंकि जनता ने 2 बार मौका दे दिया, 3 बार बीजेपी को मौका दे दिया, 2 बार सपा को मौका दे दिया, हमारा तो फर्स्ट टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ कांग्रेस की बात आती है तो वहाँ पर बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि कांग्रेस ने जब सेंट्रल में रही तो उसके बाद में भी बहुत सारे कारनामे सामने आए थे, तो वो उसका कहीं ना कहीं फल या कुछ गलत फैक्ट
ये सिर्फ और सिर्फ हमारे घोषणा मंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं, मैं तो घोषणा मंत्री कहता हूँ, उनके झूठों का पुलंदा है जो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कांग्रेस अपनी सफलताएं अपनी कार्यकलाप पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाई, उन्होंने अपने झूठ को इस तरह से फैलाया पब्लिक में कि वो सच लगने लगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें कि अपने जब विधानसभा चुनाव हुआ तब सपा को चुनाव लड़ा है और अब जहाँ पर चाचा जी भी हैं और वो उनके समर्थक भी हैं, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, उनका सामना कैसे? मैंने पहली चीज़ तो आपको बता दूँ, मैंने चाचा जी को चुनाव नहीं लड़ाया, मैंने गठबंधन को चुनाव लड़ाया, क्योंकि मैं पहले से कांग्रेस का सिपाही हूँ और चूंकि पार्टी हाईकमान की रणनीति थी गठबंधन में चुनाव लड़ना, इसलिए हमने गठबंधन को चुनाव लड़ाया और जिता करके भेजा। और एक सवाल मुरादाबाद की जनता के दिल में ये भी है कि अब मोहम्मद अजरुद्दीन को सांसद बनाया था मुरादाबाद का, लेकिन उन्होंने 4-5 साल होने के बाद में बहुत ही कम मुरादाबाद में दिखाई दी, तो उसका भी कुछ रिएक्शन रहेगा? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं भाई, अगर जनता ने कोई किसी को चुनाव जिताया था, ये हारती भी जनता ही है, तो जनता ने फिर उसके बाद में पार्टी को जवाब दे दिया। लेकिन वो क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्षेत्र से बिल्कुल गायब रहे, क्या इसका फर्क है? अब तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो लड़े भी नहीं चुनाव, तो वो तो उनका तो फैक्टर खत्म हो गया। इस बार क्या कहें आपकी, आप अपनी क्या स्थिति मान के चल रहे, किससे चुनावी मैदान में फाइट मान के चल? देखिए, फाइट का जहाँ तक सवाल है, तो हमें जो फीडबैक आ रहा है, हमारे फीडबैक के हिसाब से हमारा बीएसपी से चुनाव है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, शायद आपको अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि भाजपा से भी पब्लिक त्रस्त है, क्योंकि भाजपा के मेयर, मौजूदा मेयर जो हैं वो 3 बार से लगातार खुद मेयर हैं, सपा से 2 बार अलग अलग मेयर रह चुके हैं, मगर क्योंकि सपा की रणनीतियों से बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है, सरकार 5 साल चलाई, वो सरकार भी विफल सरकार रही, उसका खमियाजा आज उन्होंने भुगता कि 250 से 47 सीटों पर आ गए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को लोग मौका देंगे और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। अच्छा, एक चीज़ और कि चुनावी मैदान में उतरते ही आपको कुछ धमकियाँ मिलनी शुरू हुई थी, क्या वो अभी भी है या फिर? देखिए, अब तो नाम वापसी लेने का कोई सवाल नहीं होता, उस वक्त तक तो ये था कि नाम वापसी ले सकते थे, कोशिश की गई, लोगों ने हर तरह से कोशिश की, मगर हम अपनी जगह अटल रहे, आज आपके सामने बैठे हैं। मुरादाबाद में आप अपने हर जगह हर वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है क्षेत्र की जनता में, चैनल ने भी सर्वे किया, चैनल ने सिर्फ पार्षद से एक ही सवाल पूछा कि महात्मा गांधी का नाम, लेकिन वो नहीं बता पाए, तो ऐसे में ऐसे प्रत्याशियों को उतारना जो एक महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उनको नहीं जानते, तो क्या कहेंगे? कौन से, मेरी जानकारी में नहीं कौन से प्रत्याशी ने ऐसा कहा, उन्हें राष्ट्रपिता का नाम ही नहीं नहीं पता होना चाहिए, ये दुर्भाग्य की बात है, अगर हिंदुस्तान में अगर राष्ट्रपिता का नाम नहीं मालूम तो उनके लिए भी हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है। हाँ, आप से कहेंगे कि जनता को आप भी बताएं। मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल सही था, कम से कम आपने बता तो दिया, बहुत से कांग्रेसी ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। रामचंद्र गांधी। अच्छा, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा, अगर अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करें और जितने कैंडिडेट लड़ना है उनमें अगर मैं सबसे बेहतर लगूँ तो मुझे वोट दें। तो थे हमारे साथ में रिजवान साहब, जिन्होंने हमारे सवालों के बहुत बखूबी जवाब दिए हैं। देखना यह होगा कि 29 तारीख में जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी और 1 तारीख में किसके सर पर ताज सजेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।